सर्दियों का मौसम था, गांव में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बहुरानी अनामिका बस स्टैंड के पास आग जला के वहाँ पे वो मकई बेचा करती थी। ठेले में जो आग जलती थी उसी आग को सेक कर गर्माहट महसूस करती थी उसकी बेटियाँ, बड़ी बेटी भाव्या और छोटी बेटी श्रीलता। माँ अंधेरा हो गया है, ऊपर से ठंड भी पड़ रही है, हम कांप रहे हैं, चलो घर चलते हैं। हाँ माँ मुझे भी ठंड लग रही है, चलो घर चलते हैं। चलेंगे बच्चे, थोड़ा सब्र करो, अभी अभी तो अंधेरा हुआ है। बस से, साइकिल से, अपने अपने गाड़ियों से जो लोग काम पे गए थे वो अब घर लौटेंगे। वो लौटेंगे ना, मेरा और दीदी का यहाँ पे क्या काम है? तुम्हें और दीदी को इन मकई को जलाकर गर्मा गर्म बेचना होगा। तुम लोगों को कहना होगा आइए बाबू आइए गर्मा गर्म ताजे ताजे मकई खाइए। अरे बाप रे, अगर हम ये गरम गरम मकई पकड़ने गए तो हमारे तो हाथ जल जाएंगे ना माँ। ऐसे पकड़ना होगा ताकि हाथ ना जले बेटा, इतनी ठंड में मैं नहीं बेच सकती माँ। ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा, बोलो गरीब बच्चे बेच रहे हैं ये देखकर लोग आके तुम्हारे पास खरीदेंगे, उन लोगों को तुम पे दया आएगी, कुछ लोग सोचेंगे ठंड का मौसम है तो गर्मा गर्म मकई खा ले, उसके ऊपर अगर हम मकई बेचते हैं तो फिर हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा ना। इसके बाद अनामिका की दोनों बेटियां मकई बेचने लगती है। अब चूंकि कुछ करने को नहीं था इसीलिए भाव्या और श्रीलता दोनों हाथ में मकई पकड़ के ठंड में कांपते हुए कहने लगती है, आइए बाबू आइए गर्मा गर्म मकई सिर्फ 10 रुपए में खाइए, आइए बाबू लेकर जाइए। ऐसा कहकर भाव्या बेचने लगती है, पर श्रीलता ठंड में कांपते हुए दोनों हाथ में दो मकई लेके रास्ते पे खड़ी रही ताकि लोग उसे देख सके। तभी भाव्या कहती है, बहन अगर तुम ऐसे खड़ी रहोगी तो कैसे चलेगा, लोगों को पता चलना चाहिए ना कि हम यहाँ पे मकई बेच रहे हैं, इसीलिए चिल्ला के कहो कि लोगों को पता चले हम यहाँ पे मकई बेच रहे हैं। इस तरह से कहती है। भाव्या की बातें सुनके श्रीलता जो ठंड में कांप रही थी बिना मन के ही वो फिर कहने लगती है, इस ठंड में नहीं हो पाएगा दीदी, मैं जाके माँ से कहती हूँ, भले ही वो मारे मारने दो पर मुझसे इस ठंड में नहीं होगा। ऐसा कहकर श्रीलता अपनी माँ अनामिका के पास आ जाती है। उसकी माँ पूछती है, वो आके बताती है कि ठंड में वो नहीं कर पा रही है। उसकी बेटी पे उसे बहुत दया आती है, उसकी आंखें भर आती है कि अपनी छोटी नन्ही बच्चियों के हाथों से वो काम करवा रही है। ठीक है बेटा, तुम स्टॉल के पास ही रुको, यहाँ खड़े होकर चूल्हे से आग सेको, मैं और दीदी मकई बेचने के बाद घर लौटेंगे। इस तरह से कहने के बाद अनामिका श्रीलता के हाथ से मकई ले लेती है और रास्ते पे चली जाती है। वहाँ जाके वो लोगों को मकई दिखा के बेचने लगती है, गर्मा गर्म मकई बाबू सिर्फ 10 रुपए में, आइए बाबू आइए, ऐसा कह के अनामिका बेचने लगती है। तभी एक ट्रैवल बस आके वहाँ पे रुकती है। उस बस को देखते ही अनामिका जल्दी से वहाँ चली जाती है। वहाँ ग्राहकों को देखकर अनामिका कहने लगती है, दीदी भैया मकई ले लीजिए, गर्मा गर्म मकई है, मात्र 10 रुपए में मिलेंगे। ऐसा कहकर वो मकई बेचने लगती है। बस में ही बैठी एक महिला अनामिका से मकई खरीदती है। अनामिका बहुत खुश होती है इस बात से कि उसे 20 रुपए मिलेंगे। अचानक से बस की इंजन शुरू हो जाती है। अनामिका परेशान हो जाती है, मैडम जल्दी पैसे दीजिए, बस स्टार्ट हो चुकी है, 20 रुपए दे दीजिए, इस तरह दुखी होकर कहती है और बस के साथ साथ वो भागने लगती है। बस में बैठी महिला भी परेशान हो जाती है, वो अनामिका को पैसे देने वाली ही होती है कि पैसे हवा में उड़ के बाहर चली जाती है। भव्या ये पूरी कहानी देख रही थी। लंबी सांस लेते हुए अनामिका उस पैसे को आकर उठा लेती है। तभी अचानक एक कार बहुत गति से आती है और वहाँ आके रुक जाती है। ये देखकर भावना सहम जाती है। फिर अनामिका पैसे लेकर भाव्या के पास जाती है। क्यों माँ, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटी को रोते देख अनामिका की आंखें भर आती है। आंखों में आंसू लेकर वो अपने हाथ में पैसे दिखाती है और दुखी होकर कहने लगती है, इस पैसे के लिए ही तो बेटा सूरज की गर्मी ठंड में कांपते हुए हम यहाँ खड़े होकर दिन रात मकई बेच रहे हैं, फिर हाथ में पैसे आकर अगर वो गिर जाए तो कांटा चुभने से भी ज्यादा दर्द होता है ना बेटा, बोलो। वो तो ठीक है माँ, लेकिन कार की ब्रेक नहीं लगती तो? बेटी भावना के इस सवाल पे अनामिका के पास जवाब नहीं था, वो चुप रह गई।
तभी वहाँ पे सासू माँ शारदा आती है और कहती है, इसमें क्या है बेटा, तुम्हारी माँ अगर मेरे टायर के नीचे आए तो पुलिस आके मुझे हथकड़ी लगाएगी और मुझे ही जेल जाना पड़ेगा। उनकी बातें सुन के अनामिका और भाव्या उन्हें देखने लगती है। फिर अनामिका अपनी आंखों में आंसू लेकर कहने लगती है, सासू माँ आप यहाँ? दादी आप यहाँ आई है? ऐसा कहकर भावना और अनामिका उनके तरफ जाने लगती है। अनामिका और भावना को देखकर शारदा मनी मन बहुत खुश होती है। आखिरकार तुम यहाँ मकई बेच के अपना गुजारा कर रही हो बहू। जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दादी चलिए घर चलते हैं, पिताजी बहुत बीमार हैं। क्या दादाजी परेशान होके हमें याद कर रहे हैं? वैसे दादाजी है कहाँ? जब वो पूछ ही रही थी तभी वहाँ प्रसाद आते हैं। मैं तो यही हूँ बेटा। ऐसा कहकर भाव्या और शीलता को गाड़ी से भेज देती है और फिर अनामिका अपना ठेला ढकेलते ढकेलते उसे अपने मिट्टी के घर तक ले आती है। तब तक शारदा और प्रसाद जो गाड़ी से घर आए थे वो देखते हैं कि उनका बेटा रमेश बिस्तर में पड़ा हुआ है सैयाग्रस्त होकर। माफ कर दो बेटा, मुरली जो हमारे यहाँ काम करता था उसने पैसे चोरी किया था, हमें अब पता चला, पर मैंने अनामिका को चोर समझ के घर से निकाल दिया था। पर तुम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे बेटा, मैंने जो गलती की थी उसके लिए तुम सजा भुगत रहे हो। घर लौट चलो बेटा, अब जाके तुम्हें सच पता चला है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई माँ। पर हम उस घर में लौट के कभी नहीं जा सकते माँ, कभी भी मन किया तो तुम आकर हमें देख के जाना। इस तरह कह के शारदा और प्रसाद वहाँ से चले गए। शारदा और अनामिका एक दूसरे के घर कभी कभार आना जाना करते थे। इसके बावजूद अनामिका अपनी बेटियों के साथ मकई बेचा करती थी और ऐसी ही अपनी जिंदगी गुजारने लगी। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोपहर होने के कारण बाप बेटा प्रसाद और रमेश खेत में काम करके बहुत थक चुके थे। उधर उनकी पत्नियां शारदा और अनामिका स्वादिष्ट भोजन बनाती है और एक टोकरी में डालकर उसे वो दोनों मिलकर खेत में ले जाती है। खेत पहुंचकर वो दोनों देखती है उन दोनों के पति एक बड़े से पेड़ के नीचे लेटकर खड़ाटे लेकर सो रहे हैं। सासू माँ मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि पिताजी और आपका बेटा ऐसे करते होंगे। जब मैंने कहा था तुमने सुना था कि बाप बेटा कभी बदलेंगे नहीं, इनके आलसीपन के सामने तो एप्पल टावर भी कुछ नहीं है। ना ही एप्पल और ना ही बनाना टावर है, वो एफिल टावर है। हाँ हाँ वही हुआ, वही समझ लो, ये बाप बेटे तो कोड़िया पंती के महा उदाहरण है। अब क्या करें सासू माँ? अब क्या करें बहू, जैसे कि खेतों को लीज पर ले रखा है, भले ही हम उसमें फसल उगाए चाहे ना उगाए, मुनाफा हो या ना हो लीज के पैसे चुकाने होंगे। हमारे पास उतने पैसे भी कहाँ माँ, पर कैसे भी करके हमें उन पैसों को चुकता करने ही पड़ेंगे है ना। पर अगर हमारे पास सोने की बालियां होती तो उसे गिरवी रखकर हम उधार चुकता भी कर देते, पर वो भी तो नहीं है। पर अगर ये बिना जिम्मेदारी लिए परिवार का बोझ बिना उठाए इस तरह कोड़िया पंती से सोते रहेंगे तो हम क्या करें बताओ। हम जाके गांव के बुजुर्ग इंसान भूषण को कहें क्या? मैंने भी ऐसा सोचा था बहू, पर उस बुजुर्ग इंसान भूषण के बारे में जब सोचा तो मैं डर गई। क्यों सासू माँ, भूषण के बारे में आपने ऐसा क्यों सोचा? वो शैतान है क्या? कोई साधारण शैतान नहीं है बहू, बहुत कठोर है। कठोर मतलब वो चंदा लेते हैं या वसूली करते हैं? कहाँ से आई हो तुम पता नहीं, बेवकूफ हो क्या, वसूली नहीं करता। कठोर मतलब वो बहुत बड़ा दुष्ट राक्षस है। फिर इतने बड़े शैतान को गांव में रहने क्यों दिया गया? शारदा के घर में एक बहुत ही बुद्धिमती और समझदार बहुरानी आएगी, वो अपनी चालाकी से उसे गांव से बाहर निकाल देगी, ऐसा भगवान ने आकर कहा था, इसीलिए अब बिना देर किए जाओ जाके भूषण से बात करो। हाय भगवान, सासू माँ लेकिन अब आपके बेटे और पिताजी को मैं जगाती हूँ। ऐसा कहके वो रमेश और ससुर जी के पास जाकर उन्हें जगाने की बहुत कोशिश करने लगती है, पर सब व्यर्थ हो गया। चाहे वो कितना भी जगाने की कोशिश करे पर बाप बेटा खराटे मार के सोते ही रह गए। अनामिका थक हार के मुंह लटका ली, सासू माँ पिताजी और उनको जगाते जगाते मैं तो थक गई, अब आप ही देख लीजिए।
ठीक है बहू, देखो मैं चुटकी बजाते ही कैसे वो उठ जाते हैं, पर इसके बदले में क्या मिलेगा? आज रात फिर मैं खाना पकाऊंगी सासू माँ। फिर तुम देखते रहो। ऐसा कहकर शारदा जो खाना बनाकर ले आई थी उसका ढक्कन खोल देती है। उसकी खुशबू से बाप बेटे दोनों की आंखें खुल जाती है। जैसे ही बाप बेटे को खुशबूदार टिफिन बॉक्स दिख जाते हैं, वो जल्दी से उठ के टिफिन बॉक्स के पास आके देखने लगते हैं। बड़े आशा के साथ वो टिफिन का डब्बा देखने लगते हैं। जल्दी से शारदा ढक्कन लगा देती है। माँ, ढक्कन क्यों लगा दिया? मुझे भूख लगी है, खाना खाने दो। क्या काम किया बेटा, जो भूख लग गई, जमीन वैसी की वैसी पड़ी है, एक घास भी नहीं छीले हो। करने का सोचा था शारदा, पर जब आए धूप बहुत थी, छाव के लिए आए तो पेड़ के नीचे आग लग गई। क्यों जी, झूठ क्यों कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोग इतने बड़े आलसी क्यों हैं? जब लोगों ने कह दिया तो आप लोगों को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से के मारे उस महान भूषण के पास चले गए, बढ़ चढ़ के बोले और जमीन को लीज पे ले लिए। पर क्या फायदा, आप लोग यहाँ पर आके खराटे मार के सो रहे हैं। शारदा की ये बात सुन के प्रसाद को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, देखो शारदा, गांव वाले जो कहते थे वो आज तुम लोग भी कह रही हो। हाँ, हम लोग बहुत बड़े आलसी हैं। तो क्या हुआ, तुम सास बहू क्या कर लोगी? मजदूर के काम के लिए जाएंगे और आप लोगों का देखभाल करेंगे। समाज के लिए आप लोगों की सलामती तो चाहिए ना? हाँ, मैं और मेरा बेटा ऐसे ही है। तुम और तुम्हारी बहू को जो करना है कर लो। वो ठीक है पिताजी, जब आपको काम करना ही नहीं था तो आपने भूषण से जमीन क्यों ली? अब इस जमीन के लिए तो हमें भुगतान भी करना होगा ना? करना होगा नहीं, करना ही है। तुम और माँ जाके खेती बाड़ी करो और उन पैसों से उधार चुका दो। गुस्से से ऐसा कहकर खाने का डब्बा छीन कर बाप बेटा पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाने लगते हैं। अब चूंकि करने को कुछ नहीं था, शारदा भूषण को अच्छे से जानती थी, इसीलिए कहती है, भूषण को जानने के बाद भी आप लोग बड़ी बड़ी बातें करके उनसे जमीन लीज पर ली। अब हम जब कह रहे हैं आप लोगों को खेती करने के लिए, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो अब हम क्या करें? मुझसे पूछोगी शारदा तो बताऊंगा ना? हाँ तो बताइए क्या करेंगे? अगर तुम लोग अपना सुहाग चाहती हो तो तुम लोग खेती बाड़ी करो, फिर जो उससे पैसे आएंगे उन पैसों को देकर भूषण का हिसाब चुकता कर दो। अब कोई रास्ता भी नहीं था और उन्होंने ऐसा कह दिया तो शारदा और अनामिका खेती बाड़ी करने के लिए तैयार हो जाती है। सास बहू मिलके हल चलाना शुरू करती है और बाप बेटा खाना खा के पेड़ के नीचे खराटे मार के सो जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। सास बहू टमाटर की खेती करती है। वो दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई आकर टमाटर चोरी ना करे। कुछ ही दिनों के अंदर उनके फसल पक जाते हैं और वो फसल काट लेते हैं। सासुमा, आखिरकार भूषण की परेशानी से हम बच गए। कहाँ बहू, अभी फसल बेचनी है, उसके बाद पैसे आएंगे, उन पैसों को ले जाके भूषण को देना होगा, अभी बहुत काम है। ठीक है सासुमा, ट्रैक्टर से बात कीजिए ताकि एक साथ ले जाके हम बाजार में बेच आ सके। शारदा ट्रैक्टर ड्राइवर किशोर को पहले से जानती थी, उससे वो बात करती है। फिर सास बहू एक साथ सारे फसल को ट्रैक्टर से बाजार ले जाती है। फिर वहाँ दलाल से बात करके वो एक दर तय करते हैं। उसी भाव से वो पैसे ले लेती है और उन पैसों को ले जाके भूषण के पास उसका उधार चुकता कर देती है। उसके बाद जो पैसे बचे उन पैसों को लेकर वो घर लौट आती है। उन पैसों के आने से उनकी जिंदगी में सुधार आती है। इस तरह सास बहू अपनी मेहनत से भूषण के चुंगल से बच जाती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।